देखिए 2019 में इसमें हमारे द्वारा एक शिकायत की गई थी कि जौहर यूनिवर्सिटी का जो गेट बना हुआ है वो सरकारी भूमि पर है, वो जो उसकी सड़क है वो पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई है, लगभग 13 करोड़ से लागत की वो सड़क बनवाई गई थी, उस पर ये जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बना हुआ था। हमने इसकी शिकायत की और तत्कालीन SDM सदर PP तिवारी साहब की कोर्ट में ये बात दर्ज हुआ था। वहाँ से SDM सदर ने उस गेट को के विरुद्ध जो की गई थी शिकायत थी उसको सही पाया और गेट को तोड़ने के आदेश दिए थे। उसके बाद आजम खान और उनका पक्ष बिल्कुल नीचे इस फैसले के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने के बाद वहाँ 2 वर्ष तक इसकी मामले की सुनवाई चली, उन्होंने अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और आज उनकी दोनों अपीलों को वो खारिज कर दिया गया है। उस खारिज करने के बाद SDM का जो 2 साल का पुराना आदेश है वो अब ऐसे का ऐसे ही रहेगा और मैं अब प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि उस आदेश, चूँकि वो आदेश अब पुराना वैसा ही है, तो गेट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर से उस गेट को तुरंत तोड़ा जाए। तो जो जौहर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है ये वो तोड़ा जाए। देखिए मेन गेट ये हो चाहे कुछ हो, अतिक्रमण किया हुआ है वहाँ पर जो गाँव के लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत होती है, तो उस गेट को वहाँ से हटाया जाए। हमारी मांग ये थी कि PWD की जो सड़क बनी हुई है उस सड़क को खाली किया जाए, तो उसमें चाहे वो गेट हो या कुछ और हो उसको तुरंत हटाया जाना चाहिए। तो किसकी कोर्ट से आदेश हुआ है ये? डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में वहाँ से इनकी अपीलों को खारिज किया गया है और अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई होगी।